नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस समस्या की जो हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा को है। 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा को घोषित आर्थराइटिस है, यानी जोड़ों में दर्द है, और जाने कितने लोगों के जोड़ों में दर्द हो। हमारे घर माताएँ हैं, बहनें हैं, खासतौर से माताओं को जोड़ों के दर्द में तकलीफ होती है, घुटनों में तकलीफ होती है, उन्हें गठिया होती है, और हम उनको ठीक करने के तमाम इलाज ढूंढते हैं। जहाँ जो कहता है वहाँ पर जाते हैं और इलाज करते हैं, और क्यों ना हो, अपने हैं, प्यारे लोग हैं, तो हमें उनका इलाज करना है। आज हम आपके सामने आए हैं अपने माताओं को, बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द से राहत देने के एक रुपए के नुस्खा बताने के लिए। हो सकता है कोई व्यक्ति, उसकी कैपेसिटी ना हो कि वह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रोज खा पाए। 28 रुपए 30 रुपए का एक कैप्सूल होता है और सरकारी अस्पताल में नहीं मिलता, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति परेशान रहता है। तो आज का जो यह वीडियो है, यह डेडिकेटेड है उस झोपड़ी वाले व्यक्ति को, उस मजदूर को जो 300 रुपए की दिहाड़ी करता है, 250 रुपए की दिहाड़ी करता है, 5000 रुपए महीने की नौकरी करता है, और उसके माँ के जोड़ों में दर्द है, वो आराम कैसे दे। मैं आपको बताऊंगा, उस व्यक्ति को बताऊंगा जोड़ों में दर्द आराम देने का बहुत कारगर नुस्खा, जो 1 रुपए का नुस्खा है, 1 रुपए में आपके जोड़ों में दर्द में आराम दे देगा, या मान लीजिए 2 से 3 रुपए में आराम दे देगा। एक गरीब व्यक्ति है, वो ठेला खींचता है पूरे दिन, और रात में होता है तो उसके जोड़ों में दर्द होता है। वह अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोज ओमेगा 3 फैटी एसिड खाए, वह अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिजियोथेरेपी कराए, 250, 300, 500 रुपए का व्यक्ति रोज बुलाए और उससे फिजियोथेरेपी कराए। वह अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने काम को छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए दिहाड़ी है, आज गए तो पैसा आया और आज नहीं गए तो पैसा नहीं आया, हाथ खाली। तमाम ऐसे बेबस लोग हैं। मैं उनको बताऊंगा आपके माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए। मैं आपको इस वीडियो में माध्यम चाहता हूँ, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि यह उन लोगों को बताएं, अपने घर में भी अप्लाई करें, और उन लोगों को बताएं जो संसाधन विहीन है, क्योंकि यह नुस्खा बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है। और इस नुस्खे की कहानी है साथियों, हम आपको बताते हैं। हम अपने क्लिनिक पर कल बैठे थे, ये वीडियो हम आज बना रहे हैं, आज 4 तारीख है, 4 अगस्त है, आज संडे का दिन है, आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो कल सैटरडे यानी 3 अगस्त को एक हमारे पास बुजुर्ग महिला आई, तो कई दिन बाद वो दवा देने आई, काफ़ी दिन बाद दवा लेने आई। तो हमने कहा, माई आप बहुत दिन बाद दवा लेने आई हैं। बोले, डॉक्टर साहब अभी बहुत तकलीफ हमारे है, और आप बहुत दिन बाद दवा लेने आई हैं, आप बीच में ठीक रहीं? बोले, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक रहे, इधर बारिश हुई तो 1 हफ्ते से दर्द हो रहा है। तो हमने कहा, भाई आर्थराइटिस में अच्छी बात है, आप सही रहीं। तो वो उन्होंने स्वयं बोला कि वो आपने जो हमको दो साल पहले नुस्खा बताया था, वह नुस्खा हम 2 साल से करते रहे, आपकी दवा की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारे जोड़ों का दर्द सही रहा। आपने जो आज से 2 साल पहले दवा दी थी, उसने जोड़ों का दर्द उसी समय सही कर दिया था, लेकिन वह दर्द ना होने का स्टेटस मेंटेन रहा। तो मैं पूरी तरह भूल चुका था। मैंने उनसे पूछा, माई कौन सा नुस्खा था वो? अच्छा, क्या होता है, जीवन की ऐसी जद्दोजहद हो गई कि अब तो लोगों का नाम भी थोड़ा भूलने लगे हैं। पहले नहीं भूलते थे, आज भी अपनों का नाम याद रहता है जो लोग अपने साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अपना ही नुस्खा बताया हुआ भूल गए, जो आज से 2 साल पहले तक हम सबको बताते थे, और बीच में 2 साल किसी को नहीं बताया। तो यह यूट्यूब की खूबसूरती है कि 2 साल बाद अब वह नुस्खा मेरे सामने फिर आया है, जब उन्होंने मुझको याद दिलाया है, मुझको बताया, मैं भूल चुका था पूरी तरह, मुझको बताया। तो आज मैं इसको रिकॉर्ड पे डाल देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हर गरीब के घर तक पहुँचा देना चाहता हूँ, हर ज़रूरतमंद के घर तक पहुँचा देना चाहता हूँ, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, बहुत ज़्यादा नुस्खा है ये, और बड़ा मज़ेदार नुस्खा है। बताते हैं आपको, गठिया में जो जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, उसको ठीक करने का, उसको आराम देने का, एटलीस्ट ठीक वर्ड मैं नहीं कहूँगा लेकिन मैं आराम ज़रूर कहूँगा, उसको आराम देने का आपको बहुत छोटा सा काम करना है।
आपको एक कांच का कप लेना है, कांच के कप में आपको एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल डाल देना है। उस जैतून के तेल को उस कप में डालने के बाद आप उसमें आधा चम्मच यानी जितना जैतून का तेल डाला है उससे आधी क्वांटिटी में सेंधा नमक डाल दिया देना है उसी कप में, और उसको 24 घंटे के लिए आपको ऐसे ही रख देना है। 24 घंटे बाद जब आप उस मिश्रण को यानी ओलिव ऑयल जैतून का तेल और सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट इसको मिले हुआ जो मिश्रण होता है इसको अब आप जब घुटनों पर लगाएंगे आपका जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा, उस वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। साथियों यह जो जादुई नुस्खा है जिसमें कि आपका दर्द ख़त्म होगा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो वो आप नमक और जो ऑयल है तेल है उसको आप जो है धूप में 24 घंटे रखिएगा, उसको डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में कांच के गिलास में आप धूप में रख दीजिएगा और उसके बाद उसको आप अप्लाई करिएगा, आप उसका मेडिकल इफ़ेक्ट देखेंगे। इतना अचूक नुस्खा है ये, और आप समझ सकते हैं तीन रुपए का जैतून का तेल और 1 रुपए का लाहौरी नमक, 90 रुपए किलो है इस समय रॉक सॉल्ट, तो 1 रुपए का रॉक सॉल्ट लगेगा। जैतून का तेल 800-1000 रुपए लीटर है तो आधा चम्मच आपको देना, वो मिश्रण कई दिन चल जाएगा, एक ही दिन में सारा खर्च नहीं होगा, वो आपका 4-5 दिन चल जाएगा। तो 2-3 रुपए के खर्चे पे जो यह आपका नुस्खा होगा यह आपके घुटनों के दर्द को ख़त्म कर देगा, और उस महिला को देख कर उसकी बात को 2 साल बाद सुनकर मैं पूरी तरह से इस बात पर निश्चित हूँ, अड़ी हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इस नुस्खे को करिए, कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको बताइए, आप अपने घर की मेट को भी बता सकते हैं जिसको शायद खड़े खड़े खाना बनाते बनाते उसके पैर में दर्द होने लगता हो, या पोछे वाली सफाई वाली जिसको बैठे बैठे पोछा लगाते हुए जोड़ों में दर्द होता हो उसको आप अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जैतून का तेल और नमक उसको गिफ्ट कर दीजिए, आपका 100-200 रुपए का जैतून का तेल 100 रुपए का मानिए पहले थोड़ा ही दीजिएगा, और 10 रुपए का नमक उसके घुटने के दर्द में आराम दे सकता है, और यह आराम परमानेंट होगा, यह आराम अंदर से घुटने को ठीक करेगा, यह वह नुस्खा है। आप इस नुस्खे को करिए और करवाइए, और हमें कमेंट पोर्शन में इसका फ़ायदा 15 दिन में लिख कर बताइए, हमें प्रसन्नता होगी यह जान के कि यह नुस्खा जो मैंने कभी पढ़ा था आज से 2 साल पहले मरीजों को बताया करता था वह किसी के काम आ रहा है। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अगर साथियों आपको यह नुस्खा सुनने में अच्छा लगा हो या आज से 15 दिन बाद जब आप कर चुके हों तो उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नुस्खा अच्छा है चाहे अभी कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने साथियों में शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें, बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे नए से नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारा साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।